अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल। प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में आपको खुशामदीद करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमारा टॉपिक है फंक्शन इन सी। फंक्शन इन सी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके हर पॉइंट्स को हम लेक्चर में देखेंगे। चले आए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास हम क्या देखेंगे, फंक्शन डिफिनेशन। फंक्शन डिफिनेशन क्या होती है, हम इसे किस तरह यूज़ करते हैं, सेकंड पॉइंट है। फिर हम इसकी एग्जांपल्स देखेंगे, कंपोनेंट्स ऑफ फंक्शन को डिस्कस करेंगे, कोड देखेंगे। फिर हमारे पास आ जाएगी टाइप्स, कोई फंक्शन की कितनी टाइप्स है और हम इस किस तरह यूज़ करेंगे। फिर हमारे पास पैरामीटर्स आएंगे, फिर हमारे पास पैरामीटर्स की भी टाइप आएगी। इन सारी चीज़ों को हम प्रोग्रामिंग टर्म ऑफिशियल में डिस्कस करेंगे। आगे हमारे पास है क्या है, हमारे पास मेथड ऑफ कॉलिंग, किस तरह कॉल किया जाता है। डिफरेंट तरीकों से हमारे पास फंक्शन को कॉल किया जाता है। हमारे पास सम टाइम ऐसा होता है नो आर्गुमेंट्स, कोई आर्गुमेंट्स तो नहीं होता और ना ही रिटर्न टाइप होती है। बहुत दफ़ा ऐसा होता है नो आर्गुमेंट्स तो नहीं होते हमारे पास बल्कि रिटर्न टाइप होती है, और बस दफ़ा ऐसा होता है कि हमारे पास आर्गुमेंट्स होते हैं और रिटर्न टाइप नहीं होती, रिटर्न वैल्यूज नहीं होती। आगे हमारे पास है लास्ट वाला है, हमारे पास आर्गुमेंट्स भी होंगे और रिटर्न वैल्यू भी होगी। तो चले आए देखते हैं कि आज के लेक्चर में हम क्या चीज़ कवर करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास डिफिनेशन, फंक्शन को यूज कैसे किया जाता है और फंक्शन किस पर्पस के लिए बने थे। हमारे पास होता था कोड, बहुत लेंथी कोड होता था और एक ही तरह का कोड हम बार बार यूज करते थे और वो कोड हमें बार बार लिखना पड़ता था। उसके लिए फंक्शन को इंट्रोड्यूस करवाएगा। फंक्शन क्या करता है, वो जो बार बार कोड लिखा जाता है उसे एक अलग से कोड लिख लिया जाता है और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है हम बार बार इसे सिर्फ कॉल कर लेते हैं। तो इसने क्या किया कि एक लेंथी कोड को जो बार बार लिखा जाता था उसको सिंपल एक अलग कोड में कन्वर्ट कर दिया और जैसे ही इसकी ज़रूरत पड़ती है हम उसे कॉल कर लेते हैं। हमारे पास ये फंक्शन इज अ पीस और ब्लॉक ऑफ कोड होता है। ओनली इसे हम क्या कहते हैं, ओनली रन व्हेन इट इज कॉल्ड। तो ये तब ही रन होता है जब इसको कॉल किया जाता है। हमने कहा था हम जैसी जरूरत पड़ती है हम इसको कॉल कर लेते हैं तब वो रन होना स्टार्ट होता है। ये क्या करता है, लार्ज कोड को डिवाइड करता है स्मॉल ब्लॉक्स में, ठीक है, एक छोटा कोड में कन्वर्ट कर देते हैं। बार बार हमने सम करना है तो हम एक ही दफ़ा सम का फंक्शन बना लेंगे और उसको बार बार कॉल कर लेंगे। सेट ऑफ प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें हमारे पास पैरामीटर से स्टार्टिंग और एंडिंग होती है। इसको हम क्या कह सकते हैं, मॉड्यूल्स भी कहते हैं, प्रोसीजर भी कहते हैं और सब रूटीन भी कहा जाता है इस फंक्शन को। आगे जाते हैं, हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे, हम क्या करते हैं अवॉइड करते हैं रीड राइटिंग को। हमारे पास हमने क्या कहा कि सम हमने बार बार यूज़ करना है तो हम सम के फंक्शन को, सम फंक्शन को बार बार लिखेंगे। हमने दो वेरिएबल लिए उनको सम किया, फिर दो वेरिएबल लिए उनको सम किया, तो हम क्या करेंगे एक अलग से कोड बना देंगे जिसमें हमारे पास दो वेरिएबल होंगे और वो बार बार सम होते रहेंगे और जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ेगी सम वाले फंक्शन को कॉल कर लेंगे। तो इस पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं री राइटिंग को। फंक्शन कॉल फॉर मल्टीपल टाइम, जैसे ही हमें ज़रूरत पड़ती है हम मल्टीपल टाइम से कॉल कर देते हैं। और ये कहता है रीयूजबिलिटी, क्यों क्या करते हैं एक दफ़ा लिख देते हैं और बार बार इसको रीयूज कर लेते हैं। इजी अंडरस्टैंड, इजीली अंडरस्टैंड होता है, स्मॉल कोड होता है हमारे पास इजीली अंडरस्टैंड हो सकता है। अगर हमारे पास एडिटिंग इजी हो जाती है, एडिटिंग किस तरह इजी होती है, पहले हम दो को सम कर रहे थे फिर हम थ्री का सम करेंगे, तीन वेरिएबल का सम करेंगे तो सिंपल एक वेरिएबल ऐड कर देंगे। आगे क्या कह रहे हैं, ट्रैक अ लार्ज सी प्रोग्राम इजीली बाय डिवाइडेड इनटू मल्टीपल फंक्शन। तो हम इसी को मल्टीपल फंक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं और ट्रैक भी कर सकते हैं लार्ज कोड। एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। सिंपल अगर हम कोड लिखेंगे तो हमारे पास बहुत लेंथी कोड होगा, किस तरह लिखेंगे देखते हैं। हमारे पास दो इंटीजर टाइप की वेरिएबल है एक्स और वाई और जेड, तीन है, ठीक है। x में हमारे पास पड़ा हुआ है 20 और y में पड़ा हुआ है 30। हम क्या कर रहे हैं, सम कर रहे हैं, z में रिजल्ट स्टोर करवा रहे हैं। ये क्या करेगा, x और y को प्लस करके इनका जो रिजल्ट आएगा वो z में स्टोर करवा देगा, फिर हम क्या करें इनको प्रिंट करवा रहे हैं, ठीक है। ये एक दफ़ा सम का फंक्शन हो गया। फिर हमने क्या किया,
एक्स की वैल्यू को अपडेट कर दिया, 30 कर दिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्स में 30 पड़ा है, वाई में 30 पड़ा है, इन दोनों को प्लस किया और इसका रिजल्ट जेड में स्टोर करवा दिया। सेम वर्किंग हो गई, ठीक है, इस सम के फंक्शन की भी, इस सम के फंक्शन के भी, और इधर हम क्या करें, प्रिंट करवा रहे। तो हमने इधर क्या किया, सम का कोड दो दफ़ा यूज किया, ठीक है। फिर हम क्या कर रहे हैं कि हम एक्स की वैल्यू को दोबारा अपडेट कर रहे हैं, 20 कर दिया, ठीक है। 20 करके क्या कर रहे हैं, जेड में इन दोनों का रिजल्ट मल्टीप्लाई करके स्टोर करवा रहे हैं। तो ये क्या आ गया, प्रोडक्ट वाला फार्मूला आ गया, और इसको हम इस तरह ही प्रिंट करवा रहे हैं। तो हमने इधर क्या किया, दो दफ़ा सम का कोड यूज किया, एक दफ़ा प्रोडक्ट का कोड यूज किया। तो हम फंक्शन के थ्रू क्या कर सकते हैं, एक सम का कोड बना सकते हैं और एक प्रोडक्ट का। तो वो इसको क्या कर देगा, ये लेंथी कोड को स्मॉल करके हमारे पास रन करके करके देगा, ठीक है। तो आगे जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, इसको फंक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो हमने क्या किया, दो वेरिएबल लिए, ठीक है। फंक्शन में क्या होगा, दो वेरिएबल लिए, एक्स में पड़ा हुआ है 20, वाई में पड़ा हुआ है 30, और जेड हमारे पास इसमें रिजल्ट स्टोर होगा। जेड इक्वल टू जो रिजल्ट आएगा वो जेड में चला जाएगा, सम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, सम का फंक्शन कॉल हो जाएगा, इसमें वैल्यू पास होगी। एक्स में हमारे पास 20 पास होगा, वाई में 30 पास होगा, ठीक है। तो इसमें एक्स में हमारे पास इंटीजर टाइप है ना इसकी, तो इंटीजर टाइप इधर एक्स में हमारे पास 20 आएगा, वाई में क्या आ गया 30, इन दोनों के पास वैल्यूज आ गई। पैरेंथेसिस के अंदर जाएंगे तो ये रिटर्न में क्या करेगा, एक्स और वाई की वैल्यू को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। रिटर्न करके दोबारा जिधर फंक्शन कॉल आई हुई होती है ना, दोबारा हम किधर जाएंगे, इस पे जाएंगे, इसका रिजल्ट किधर चला जाएगा, जेड में स्टोर हो जाएगा। और जेड में स्टोर होने के बाद हम क्या कर देंगे, सिंपल प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ये हो गया एक दफा सम का फंक्शन कॉल। दोबारा हमारे पास क्या कर रहे हैं, जेड में रिजल्ट स्टोर होगा, फिर इक्वल टू फंक्शन कॉल आ गया सम, ठीक है। सम का फंक्शन आ गया, सम के फंक्शन में हम 30 और वाई पास कर रहे हैं, वाई में हमारे पास भी 30 है, ठीक है। तो हमारे पास इधर क्या होगा, इन टाइप का फंक्शन है, इंटीजर इन टाइप। इधर हमारे पास ये बताती है कि रिटर्न डेटा टाइप क्या होगी, रिटर्न वैल्यू किस टाइप की होगी। इधर हमारे पास इंटीजर ही रिटर्न होगा, फंक्शन का नाम है सम। इधर हमारे पास आ जाएगा पहली वैल्यू जो होगी वो पहले वेरिएबल में आ जाएगी, 30 इधर आ जाएगा। फिर y की वैल्यू क्या है, 30। तो ये दोनों अंदर पास होंगी, इन दोनों को प्लस करेगा और रिटर्न कर देगा। रिटर्न कौन सा करेगा, इंटीजर वैल्यू, क्योंकि हमारे पास फंक्शन की टाइप क्या है, इंटीजर। तो 30 प्लस 30 60 होगा, 60 को रिटर्न कर देगा, रिटर्न करके दोबारा इधर आ जाएगा जिधर से फंक्शन कॉल हुई थी। फंक्शन कॉल के बाद हम इधर इसको, इस पे वैल्यू चली जाएगी, ठीक है, जो रिजल्ट होगा जेड के पास चला जाएगा और इसको हम प्रिंट करवा देंगे, ठीक है। ये है फंक्शन कॉलिंग और ये है फंक्शन डिफिनेशन, डिफाइन करना कि फंक्शन है क्या, उसकी वर्किंग कैसे है। ये क्या है, फंक्शन कॉलिंग, और ये हमारे पास क्या है, फंक्शन डिफिनेशन। आगे हमारे पास प्रोडक्ट का फार्मूला आ गया, प्रोडक्ट का फंक्शन आ गया। इधर हमारे पास जेड में डेटा स्टोर होगा, प्रोडक्ट हमारे पास क्या है, फंक्शन कॉलिंग हो रही है। फंक्शन कॉलिंग में हम क्या कर रहे हैं, एक्स और वाई की वैल्यू पास करें, प्रोडक्ट वाले फंक्शन को ढूंढेगा, जिधर प्रोडक्ट का फंक्शन होगा उधर चला जाएगा। तो हमारे पास इधर आ गया, इधर भी देखिए इसकी डेटा टाइप इंट है। तो ये क्या करेगा, पहली वैल्यू एक्स वाली जो इसमें पास हुई, एक्स के पास आ गई, वाई वाली पास हुई, वाई में आ गई। तो ये दोनों वैल्यू अंदर पास हो जाएंगी, दोनों को इधर मल्टीप्लाई का साइन आ जाए, ठीक है। प्रोडक्ट में मल्टीप्लाई का साइन आकर दोनों को मल्टीप्लाई करके रिटर्न करेगा, रिटर्न वैल्यू कौन सी होगी, इंटीजर। तो वो किधर चला जाएगा, जिधर से फंक्शन कॉलिंग हुई थी उधर इस पे चला जाएगा, और इसकी वैल्यू चली जाएगी जेड के पास। रिजल्ट किधर स्टोर हो गया, जेड के पास, और इधर ही हम प्रिंट करवा देंगे और रिटर्न करवा देंगे, ठीक है, रिटर्न जीरो। तो ये हमारे पास, हमने कोड देखा कि हमारे पास फंक्शन में कैसे होता है और सिंपल कोड क्या होता है। तो हमारे पास ये हो गया, रिड्यूस फॉर्म में आ गया, दोनों कोड का रिजल्ट सेम आएगा। इन कोड को, दोनों कोड को डेव पे रन करके देखते हैं। व्यूअर्स, ये कोड हमने लिख लिया, अब इसको रन करके देखते हैं। तो ये देखिए हमारे पास रिजल्ट आया 50, 60 और 600। ये दोनों रिजल्ट जो है हमारे पास सम के, और ये हमारे पास है प्रोडक्ट का। अब इसी कोड को फंक्शन में कन्वर्ट करके देखते हैं और रन करके देखते हैं, हमारे पास रिजल्ट सेम आएगा। जी व्यूअर्स, अब वही कोड को हमने फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया, अलग अलग इनका फंक्शन का बना दिया। ये देखिए हमारे पास सम का अलग फंक्शन बना दिया और प्रोडक्ट का अलग फंक्शन बना दिया है। तो अब इसको रन करके देखते हैं, इसका रिजल्ट और पिछले कोड का रिजल्ट हमारे पास सेम होगा।
तो इसको रन करते हैं तो देखिए 50, 60 और 600, ठीक है। हमने 2 दफ़ा सम के फंक्शन को कॉल किया है और 1 दफ़ा प्रोडक्ट को भी सेकेंड टाइम कॉल कर सकते हैं। इसको वैल्यूज़ को अपडेट करके इसको दोबारा कॉल करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने इधर कर देते हैं चेंज, इधर एक्स कर देते हैं 4, ठीक है, और वाई का ओहो इक्वल का साइन हमने यूज़ नहीं किया, फिर एरर देगा एक्स इक्वल टू 4, वाई इक्वल टू 5, वाई इक्वल टू 5, 7, सेमीकोलन। अब हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट वाले फंक्शन को कॉल करते हैं, ये इधर हम कर लेते हैं इसको कॉल और फिर नीचे इसको प्रिंट करवा देते हैं। तो ये देखें हमारे पास नीचे प्रिंट हो रहा है, तो 1 दफ़ा ये ऊपर भी प्रिंट होना चाहिए, तो इसको करते हैं कॉपी। ये इसका रिजल्ट प्रोडक्ट का जो फर्स्ट टाइम कॉल होगा उसको प्रिंट करवाएगा और जो लास्ट में वो सेकंड टाइम जो कॉल होगा उसको करवाएगा। तो अब इसको रन करके देखते हैं, तो ये देखिए हमारे पास 20 आ गया, ठीक है। प्रोडक्ट को भी 2 दफ़ा हमने कॉल कर लिया और सम को भी 2 टाइम हमने कॉल कर लिया। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। अब आगे हमारे पास फंक्शन कंपोनेंट्स, फंक्शन कंपोनेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डिफिनेशन। ये क्या होता है इनमें आए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिक्लेरेशन का मतलब है डिक्लेयर ग्लोबली। ग्लोबली कैसे डिक्लेयर करेंगे, हम कंपाइलर को बताएंगे कि फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन में कितने पैरामीटर्स हैं। जैसे हमने पिछले कोड में देखा क्या था, फंक्शन का नाम सम और प्रोडक्ट, फंक्शन के पैरामीटर्स कौन से थे, एक्स और वाई, और रिटर्न टाइप क्या आती है हमारे पास, इंट। देख लेते हैं, आपको बता देते हैं कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। देखें हमारे पास फंक्शन नेम सम पैरामीटर्स एक्स और वाई और रिटर्न टाइप इंट, ठीक है, ये हम कहना चाह रहे हैं, ठीक है। और ग्लोबली हम बताएंगे, ग्लोबली इनिशियलाइज किया हुआ है ना, मेन के अंदर नहीं है, बाहर है, तो इंट सम, तो हमारे पास ग्लोबली इनिशियलाइज कर दिया, रिटर्न टाइप हो गई इंट, फंक्शन का नाम हो गया सम, पैरामीटर्स कौन से हो गए, एक्स और वाई। अब जाते हैं दोबारा। अच्छा अब आगे हमारे पास सिंटेक्स क्या होगा, रिटर्न टाइप जैसे हमने देखी इंट, फंक्शन का नाम क्या था सम, पैरामीटर्स क्या थे एक्स और वाई, लिस्ट का हुआ है ना, तो हमारे पास पैरामीटर्स 2 या 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो अब हम देखें डिफिनेशन, डिफिनेशन क्या होती है, एक्चुअली अ स्टेटमेंट विच आर नॉट बी एग्जीक्यूट, जो हमारे पास स्टेटमेंट होती है जिसे एग्जीक्यूट ना किया जा रहा वो हमारे पास क्या होती है, डिफिनेशन। कंटेंट 2 पार्ट्स, में 2 पार्ट होते हैं फंक्शन हेडर और फंक्शन बॉडी। सिंटेक्स क्या है हमारे पास, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर्स और फंक्शन की बॉडी। डिफिनेशन है, डिफिनेशन हमारे पास क्या होगी, हम आपको बताते हैं जो हमने कोड कर लिया उसी के थ्रू। ये हमारे पास हमने कहा था डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन में हमारे पास क्या होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और हमारे पास पैरामीटर्स होते हैं, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स। डिफिनेशन भी यही चीज़ होती है, हमारे पास में बॉडी इंक्लूड हो जाती है और ये एग्जीक्यूट नहीं हो रहा होता, ठीक है। हम जिसे कॉल नहीं कर रहे होंगे, हमने कहा था कब एग्जीक्यूट होगा फंक्शन, जब हम इसे कॉल करेंगे, जब ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, जब सिर्फ हमने डिक्लेयर किया वो होगा, तो हमारे पास ये क्या क्या कहलाएगी, डिफिनेशन। डिफिनेशन में हमारे पास क्या आता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम, पैरामीटर और इसकी बॉडी। तो ये हमारे पास क्या होगी, इसकी डिफिनेशन। डिक्लेरेशन हमारे पास क्या थी, इंट, रिटर्न टाइप, सम और पैरामीटर्स, और डिफिनेशन में हमारे पास क्या आ गई, इसकी बॉडी भी इंक्लूड हो जाएगी। वापस जाते हैं स्लाइड्स की तरफ। फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन कॉलिंग हमने क्या कहा था, जब हम मेन के अंदर उस फंक्शन का नाम लिखेंगे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको कॉल करना हो जाएगा, सी टू कॉल अ फंक्शन कैन बी। तो जब कॉल करेंगे तो हमारे पास प्रोग्राम क्या होगा, डेफिनेटली इंक्लूड होगा। तो ये क्या लिखा हुआ है, हमारे पास फंक्शन का नेम और पैरामीटर, जो हम पैरामीटर्स पास करेंगे। वापस उसी एग्जांपल की तरफ जाते हैं और आपको दिखाते हैं फंक्शन कॉलिंग का क्या हो रही है। तो ये हमारे पास क्या है, सम, ये हमारे पास डिफाइन और डिक्लेयर इधर है, और इधर हम इसको मेन में जब इसका नाम लिखेंगे तो हमारे पास ये क्या हो जाएगी, फंक्शन कॉलिंग। कॉलिंग के बाद क्या होगा, ये कोड एग्जीक्यूट होगा और उसका रिजल्ट जो है रिटर्न किया जाएगा, रिटर्न किसको किया जाएगा, जिधर से ये कॉल हुआ था, तो इसका रिजल्ट इधर आ जाएगा और रिजल्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, फंक्शन डिक्लेरेशन कैसे होती है, किस तरह होती है, उसमें हमारे पास क्या आता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नेम और पैरामीटर्स। डिफिनेशन क्या होती है, जब उसमें इसकी बॉडी इंक्लूड हो जाती है और वो एग्जीक्यूट
नहीं हो रहा होता। तो थर्ड क्या है, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग का मतलब क्या है, मेन में जब इस फंक्शन का नाम लिया रखा जाएगा तो इसका मतलब है कि इसको कॉल किया जा रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये फंक्शन कॉलिंग थी। आगे जाते हैं, आगे हमारे पास प्रोग्राम आ गया जिसमें हम सम कर रहे हैं टू नंबर्स का बाय यूजिंग फंक्शन। जैसे हमने कोड करके देखा, ये बिल्कुल वैसे ही कोड होगा। हमारे पास है इंट सम, इसमें दो इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स हैं इंट और इंट, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया, डिक्लेयर कर दिया हमने फंक्शन को, ठीक है। हमने क्या कहा था, डिक्लेयर में हमारे पास क्या आता है, रिटर्न टाइप आती है, फंक्शन का नाम आता है और लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स आते हैं। फिर हमारे पास क्या आता है, सेकेंड पार्ट हमारे पास डिफिनेशन होती है। डिफिनेशन में हमारे पास क्या हो जाती है, इसकी बॉडी भी इंक्लूड हो जाती है। तो हमारे पास ये है, देखिए, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, लिस्ट ऑफ पैरामीटर्स और इसमें इसकी बॉडी आ गई, ठीक है। ये हमारे पास होगी डिफिनेशन। और फंक्शन कॉलिंग में हमने क्या कहा था, मेन के अंदर जब इस फंक्शन का नाम लिखा जाएगा तो हमारे पास क्या होगा, कॉलिंग। तो ये हमारे पास फंक्शन के अंदर इसका नाम लिखा हुआ है, तो ये हमारे पास क्या है, कॉलिंग, ठीक है। तीन पार्ट्स आपको हमने बता दिया। अब देखिए ये कोड लिखा हुआ किस तरह है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास डिक्लेरेशन आ गई, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स। मेन के अंदर गए, मेन के अंदर हमारे पास दो डेटा, दो इंटीजर टाइप के वेरिएबल है, नम वन और नम टू। प्रिंट एफ में क्या कर रहे हैं, दोनों की वैल्यूज यूजर से ले रहे हैं। फिर हमारे पास क्या आ गया, फंक्शन कॉलिंग आ गई, ठीक है। फंक्शन कॉलिंग, ये देखिए फंक्शन का नाम लिखा हुआ, तो फंक्शन कॉलिंग आ गई जिसमें हम वेरिएबल नम वन और नम टू दोनों की वैल्यू को पास करेंगे। तो ये हमारे पास किधर चला जाएगा, फ्लो डिफिनेशन पे, तो इधर आ जाएगा। नम वन की वैल्यू इसके पास आ जाएगी, नम वैल्यू टू की वैल्यू जो यूजर एंटर करके इसके पास आ जाएगी। ये दोनों वैल्यू अंदर देंगे बॉडी के अंदर, तो इन दोनों वैल्यू को प्लस करके नम थ्री में स्टोर करवाया जाएगा जिसकी डेटा टाइप है एट, और फिर इस नम थ्री को रिटर्न किया जाएगा। तो इन दोनों का जो रिजल्ट आया वो रिटर्न हुआ, रिटर्न होके किधर गया, जिधर से कॉलिंग हुई थी तो इधर चला गया, ठीक है। और आर ई एस में इसका रिजल्ट स्टोर हो गया, और इधर हम क्या कर रहे हैं, इसको दोबारा प्रिंट करवा रहे हैं, एडिशन ऑफ टू वेरिएबल्स। तो ये हमारे पास रिजल्ट प्रिंट हो जाएगा। ये जैसे सिंपल ही हमने कोड किया था ना सम का, तो ये बिल्कुल उसी तरह इसकी वर्किंग है, इसलिए हम इसको आपको डेप पे रन करके नहीं दिखा रहे। तो ये कोड आपने खुद रन करके देखना है, ठीक है जी व्यूवर्स। ये था आज का हमारा लेक्चर फंक्शन के बारे में। हमने फंक्शन का इंट्रोडक्शन देखा, उसके कंपोनेंट्स के देखे, कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन डिफिनेशन और फंक्शन कॉलिंग, और साथ ही एग्जाम्पल के थ्रू भी इनको डिस्कस किया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ आ गई होगी। अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, और इसकी रिमेनिंग पार्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तब तक वेट कीजिएगा, और अगर आप हमारे न्यू व्यूवर्स हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नए आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन होता है प्रोग्रामिंग के से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम फंक्शन के बाकी पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, तो तब तक वेट कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।